नमस्कार। जिंदगी भी अजब चीज है, ये समझ में आती है पास्ट में जी गई घटनाओं और तजुर्बों के आधार पर, और इसे जीना पड़ता है भविष्य की घटनाओं को नजर में रखते हुए। तो भूत और भविष्य का बड़ा सुंदर तालमेल होती है जिंदगी, जिसे हमें कहते हैं आज में जीना चाहिए, क्योंकि आज जो पल आपके सामने है वही एक सच है। तो अभी आपके सामने सच ये है कि ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ, आपको बताने के लिए आपका दिन कैसा है और कैसे करें इस दिन को आप खूबसूरती से प्लान। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो साप्ताहिक एपिसोड है, 7 दिन की बात होनी है और 7 दिन की तैयारी करनी है। तो इस तैयारी से पहले जान लेते हैं आज के दिन को पंचांग के जरिए, फिर अपने और आपके बारे में जानेंगे। आज 18 अगस्त 2019 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। भादो मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। तृतीया तिथि है देर रात 1:14 तक और उसके बाद चतुर्थी तिथि है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है 4:55 तक शाम को और उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे 10:10 पे। आज भद्रा है दोपहर 12:02 से देर रात 1:14 तक। बृहद गौरी व्रत है, कजली तृतीया है और सातुड़ी तृतीया है। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके साथ हैं, सप्ताह भर दिन आपको दिखाने जा रहा है, बताने जा रहा है कि इन 7 दिनों में आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मेष वृषभ, आपका सप्ताह और आपके टिप्स। मेष राशि वालों के मन में बहुत सारी छुपी हुई चिंताएं हैं और बदलता हुआ समय है, घर परिवार से अपनों से दूरियां भी दर्शा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण वो है आपके बढ़ते हुए खर्चों का। अपनों की जरूरतों को भी पूरा करना है और खर्चों पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? दूर स्थान से जुड़े कई तरह के विकल्प हो सकते हैं आपके सामने, उनके बारे में सोचें जरूर, पर इस बात को भी समझें कि उसका असर नुकसान के रूप में आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले अपने हालात का सही जायजा लेना होगा। अपनों की इच्छाओं के खिलाफ चलने से भी बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका झुकाव बना हुआ है पर उसके पीछे छुपी हुई बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो आपको अपनों से दूर कर सकती हैं। इसलिए इस बात को समझने में कोई गलती ना करें कि अपनों की नाराजगियां भी झेलनी पड़ सकती हैं। जब भी ऐसा कोई मनमुटाव हो जाए तो हालात को संभालना आसान नहीं होता। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर भी रहे, फिर भी पैसे की वजह से कामकाज से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि पीठ पीछे कोई आपका नुकसान ही करता चला जा रहा है, इसलिए भी अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी दोस्ती बढ़ाने का और दोस्ती निभाने का समय। अगर पहले किसी भी तरह की गलतफहमी रही है तो उसे भी बातचीत के माध्यम से संभाला जा सकता है, ताकि पुरानी रंजिशों को हटाकर आप अपने दोस्तों से जुड़ सकें। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने प्रियजनों से जुड़ने का और उनके साथ अच्छा समय बिताने का जो भी मौका मिले उसे हाथ से न जाने दें। पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी ऐसे विकल्प के पीछे भागें जिसके चलते आपके कामकाज से जुड़ी परेशानियां बढ़ जाएं। किसी भी ऐसी दिशा में मत बढ़िएगा जिससे आपके कामकाज में परेशानियां पैदा हों। सवाल लेंगे, सवाल बबली पूछ रही है अपने बेटे छोटू के लिए। वाह, प्यारा नाम माँ का, उतना ही प्यारा नाम बेटे का भी है। 5 नवंबर 1989 गन्नौर हरियाणा, 7:10 पर इनका जन्म हुआ है। जानना यह चाहती हैं कि शादी कब तक होगी इनके बेटे यानी छोटू की। मन नहीं पा रही है शादी के बारे में। बबली जी, आपने अपने बेटे छोटू के बारे में पूछा। छोटू की कुंडली है जी तुला लगन की और मकर राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है बुध की, जुलाई 2021 तक। बेटे की शादी कब होगी? 30 वर्ष की आयु हो रही है। मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि आपके मन में ये चिंता हो सकती है कि देरी हो रही है, फिर भी थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ये और बात है कि इस साल दिसंबर में आपको कोशिश करनी चाहिए अपनी ओर से, ये मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कोशिश करने से ही बात बनती है। पर बेहतर बनता हुआ समय शादी के लिए आपके बेटे का वो है जी 2021 में, अब से 1.5 साल के बाद। देखिए, इसी साल दिसंबर में, फिर 2021 ये 2 अच्छे समय है, लेकिन चूंकि देरी हो रही है तो इसी साल जो कोशिश की जानी चाहिए आपकी तरफ से उसको बढ़ा दीजिए। बहुत मुमकिन है कि इसी साल वो शुभ समाचार आपको मिल जाए। आगे बढ़ेंगे हम और मिथुन और कर्क राशि आपके बारे में जानेंगे, कैसा है आपके लिए ये पूरा सप्ताह, 7 दिनों तक आप क्या करें क्या ना करें ये नोट कीजिए और करिएगा आज ही से जो आपको बताया जाए पूरे सप्ताह के लिए। मिथुन राशि वालों को अपनी जिंदगी की स्थिरता बनाए रखनी है तो अपने आसपास के लोगों से तालमेल बनाना होगा। किसी गलत फहमी की वजह से भी कोई तकरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें लोग भी आपको गलत विचार अपनाने के लिए उकसाते चले जाएं।
क्या करना चाहिए सप्ताह में, कामकाज से जुड़ी प्राथमिकताओं को समझें। हो सकता है उसके लिए आपको पैसा भी जुटाना पड़े और किसी कारोबार में पैसा भी लगाना पड़े। इस प्रयास में आपको अपनों का भरपूर सहयोग मिला रहे, ऐसा ही कहते हैं आपका कारण। क्या ना करें सप्ताह में, ज्यादा पैसा जुटाकर आप किसी भी वजह से लापरवाह ना होते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से भी अनजाने में नुकसान बढ़ सकता है। आपकी कोशिशें अच्छी हैं, पर उन कोशिशों को ना संभालना भी एक तरह की गलती। कर्क राशि वालों के मन में आगे पढ़ने की इच्छा बहुत है और उसके लिए पैसे से जुड़ी जो भी योजनाएं बनाएंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर इस बात को समझ लें कि यही प्रयास आपको अपना भविष्य बनाने में सार्थक साबित हो सकता है। क्या करना चाहिए सप्ताह में, किसी अच्छे संस्थान से आगे की पढ़ाई की जाए तो उसका भविष्य पर अच्छा असर पड़ता है और उसके लिए आपने बहुत सारी मेहनत भी की है। आगे भी उस मेहनत को बनाए रखने की जरूरत है ताकि इसी प्रयास से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके। क्या न करें इस सप्ताह में, अपनी मेहनत और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो भी विकल्प हैं आपके सामने उसमें कमी ना आने दें, बल्कि ऐसे लोगों से तालमेल बढ़ाएं जो आपकी प्रेरणा को जगाएं और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके। अपने बेहतर होते हुए हालात को किसी कमी की नजर से देखना कभी भी अच्छा नहीं होता। देखिए, हालात आपके बेहतर हो रहे हैं, इसमें कमियां तलाशने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सिंह और कन्या राशि, अब आपको भी समझना है कि अगले 7 दिन कैसे हैं ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। तो कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 7 दिन बिल्कुल सटीक आपको भविष्यवाणी हम दे रहे हैं और उस भविष्यवाणी के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों का रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए भरोसा जग रहा है और यही भरोसा आपकी मानसिकता के उतार चढ़ाव को संभालने में मदद करेगा। जिंदगी की जो भी चुनौतियां हैं वो आपके अपने मन में कुछ ज्यादा ही बिठा रखी हैं जैसे, जबकि ऐसी कोई बड़ी परेशानी लगती नहीं। क्या करना चाहिए सप्ताह में, दूर स्थान से जुड़े विकल्प आपकी परेशानी का कारण बने हुए हैं, क्योंकि उसी की वजह से आपने अपने पैसे की स्थिति को भी खतरे में डाल रखा है। किसी नए विकल्प में हाथ डालने से बचना होगा ताकि अपने हालात को भली भांति संभाला भी जा सके। क्या ना करें सप्ताह में, कामकाज से जुड़े हालात बेहतरीन हो रहे हैं, उसमें भाग्य की भूमिका भी इस रूप से बनी हुई है जो आपको हर तरह से मदद करे। आपकी मेहनत को बनाए रखने का समय है ताकि आपके विचारों की उथल पुथल से उसमें कोई कमी ना आ जाए। कन्या राशि वाले लोगों के प्रति अच्छा सोचेंगे तो लोगों से हर तरह का योगदान मिलेगा। इस अच्छाई के बावजूद आपकी मेहनत बिखरी रहे ऐसा हो सकता है, जिस ओर थोड़ा सा ध्यान तो आपको देना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में, अपनी आर्थिक स्थिति को बचाए रखने के लिए आपको बहुत सारी योजना बनानी होगी। कामकाज से लाभ सुंदर बना हुआ है और सब कुछ आपके योजना के अनुरूप चल रहा है, फिर भी उन छुपी हुई मुश्किलों की ओर देखना होगा जो साथ ही साथ बनी हुई है। क्या ना करें इस सप्ताह में, कोई ऐसा एक तरफा विचार ना बनाएं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। किसी ऐसी चीज में पैसा ना लगाते चले जाएं जिसमें आपको पहले से परेशानियों का आभास हो। इसलिए व्यर्थ में तकदीर को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। क्यों तकदीर को आजमाना चाहते हैं, इस पूरे सप्ताह ऐसी गलती मत कीजिएगा। सवाल लेते हैं, सवाल है खुशबू का। डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 1996, 3:10 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है। डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर, एक जगह है सिंदेवाही, वहाँ पर रोज देखते हैं आपके तारे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, लेकिन एजुकेशन में यानी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है फिलहाल। साथ ही साथ एक प्राइवेट जॉब भी कर रही हैं, दूसरी जॉब भी सर्च कर रही हैं, बेहतर जॉब। सवाल ये है, दूसरी जॉब करें या जो जॉब कर रही हैं वही करती रहें, और या अपना अपनी जो पढ़ाई है उसे कंप्लीट करें। शादी पर भी जोर दिया जा रहा है, शादी कब तक करनी सही रहेगी। खुशबू आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की सितंबर 2020 तक। क्या जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, ये सवाल है पहला आपका। देखिए, आने वाले 6 महीने में आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है जब आपकी जॉब चेंज हो जाए और बेहतर जॉब की ओर आप बढ़ सकें, ये अच्छी बात है जी। पढ़ाई आपने कहा, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, पढ़ाई आपको करनी चाहिए। मैं समझता हूँ पढ़ाई आपको साथ साथ ज़रूर करनी चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय ही ऐसा है जो आपको पढ़ाई से जोड़े रखे। तीसरा सवाल आपका शादी का है, शादी के लिए आपको रुक जाना चाहिए क्योंकि अभी शादी का समय नहीं आया, शादी आपकी हो सकती है 2021 में। आने वाले 6 महीने में आपको जॉब चेंज का एक मौका मिल सकता है, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए हर हाल में। शादी के लिए अभी रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा वक्त है, पहले अपना करियर अच्छे से बना लीजिए, फिर शादी भी पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात कर लेते हैं तुला वृश्चिक आपके आने वाले सप्ताह की। तो सवाल 7 दिन का है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए कि अगले 7 दिनों तक क्या करना है, किससे बचना है।
इसी वजह से कामकाज के क्षेत्र में वैचारिक मतभेद बने रहने का भी अंदेशा है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपने मन को बहुत शांत रखना होगा। मुश्किल भरे दौर में तो गलतियां हो ही जाती हैं, पर इस समय आपके लिए हर तरह की अच्छाई बनी हुई है। ऐसे में भी अपनी जिंदगी की स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने का समय। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी ऐसे काम में पैसा न लगाएं जिसमें आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए। वैसे भी ये समय किसी भी तरह के निवेश के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए किसी जमीन जायदाद को खरीदने का विचार फिलहाल बिल्कुल ना बनाएं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति में बढ़ोतरी लाने का सुंदर समय है, जिसमें आपके ज्ञान और आपकी क्षमताओं की अच्छी भूमिका बनी हुई। कई तरह के नए विकल्प हैं जो आपके सामने उभर सकते हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? भाग्यशाली परिस्थिति है जिसका पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। रिश्तों की खुशियां बनाए रखने के लिए भी अपने प्रयास बनाए रखेंगे तो आपको अपनों से जुड़ने का और अपनों के करीब आने का मौका मिलेगा। ऐसे में अपने प्रबल होते हुए विचारों को भी थामना होगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज के क्षेत्र में अपने साथी सहयोगियों से किसी भी तरह की बहस में ना पड़े। जो जैसा चल रहा है उसे उसी रूप से कबूल कर लें, ताकि किसी भी तरह के तकरार की स्थिति बनने की कोई गुंजाइश ही ना हो। कभी कभी ऐसा होता है जिंदगी में, जो चल रहा होता है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसे कबूल करना पड़ता है। समय ऐसा ही है आपके लिए, साथ दें जरूर। मकर राशि अब आपके लिए समय कैसा है और क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें, ये आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। धनु राशि वालों के लिए स्थान परिवर्तन से जुड़े कई तरह के विचार हो सकते हैं आपके मन में, जिसके लिए आपने अपने मन में पहले से कोई विचार बना रखा है। जैसे फिर भी नई बनती हुई संभावनाओं को टटोलना होगा और दिल से अपनों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने में रोजमर्रा की चुनौतियां हो सकती हैं, जिसमें आपका मन दुखी रहे या आपके असंतोष को बढ़ाता चला जाए। फिर भी उस अच्छाई की ओर देखें जो भाग्यशाली रूप से आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा दे सकती है। लोगों के प्रति अपने दिल को साफ कर लें, ताकि आपसी तालमेल की वजह से आपके कामकाज की स्थिति भी संभली रहे। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी ऐसे विचार के पीछे ना भागें जो सिर्फ आपके खर्चों को बढ़ा रहा हो या आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता चला जा रहा हो। ये दूसरी बात है कि हालात आपकी मदद कर रहे हैं, पर ऐसे में अपने अच्छे भले हालात को खतरे में डालते चले जाना भी ठीक नहीं। मकर राशि वालों को लग रहा है कि कोई ना कोई परिवर्तन आपको फायदा देगा, पर इस समय की सच्चाई है कि वही परिवर्तन आपके लिए अचानक उभरती हुई परेशानियों को भी बढ़ा सकता है, जिस ओर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। इसलिए लोगों की बातों में आने के बजाय अपनी सूझबूझ अपनानी होगी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी ऐसी बात को जरूर मान लें जो आपकी प्रेरणा को जगाए, इसलिए लोगों की हर बात को सुन लें, पर किसी भी ऐसे विचार से बचें जो आपकी आर्थिक स्थिति को कहीं फंसाता चला जाए। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसे से जुड़े फैसलों को लेकर मुश्किल भरा समय है। कामकाज से जुड़े दबाव भी इसी वजह से बने रह सकते हैं, जिसमें लोग आपकी बात को ना समझ पाएं, इसलिए ऐसे किसी विचार को बढ़ावा ना दें जो आपकी बचत को कहीं फंसा दे। ऐसा कोई भी थॉट जो आपकी बचत को कहीं फंसा सकता हो उसे अपने दिमाग से पहले ही निकाल दीजिए, ताकि बचत पर कोई खतरा न पैदा हो। कुंभ और मीन राशि, साप्ताहिक राशिफल में हम जानेंगे अब आपके सप्ताह के बारे में। तो सात दिन तो कैसे रहेंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उन सात दिनों को करना कैसे, जीना कैसे, करना क्या है, बचना किससे, ये सारी तैयारी भी आपको कराएंगे। बहुत ध्यान से नोट कीजिए अपने सप्ताह के बारे में और अमल कीजिएगा उन टिप्स पर जो आपको दी जाए। कुंभ राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति को बढ़ाने का समय है, जिसके लिए आपको कई तरह के अच्छे विकल्प तलाशने होंगे। इस प्रयास में लोग भी आपकी हर तरह से मदद करेंगे, क्योंकि वो आपकी बात को समझ पाएंगे। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते में किसी बहस में पड़ने से बचना होगा, क्योंकि यही चीज आपके लिए दिक्कतों का कारण बन सकती है, इसलिए बहुत सारी सहजता अपना लेने में ही फायदा है। क्या ना करें सप्ताह में? जितना लोगों से जुड़ेंगे उतना ही आपको फायदा हो जाएगा, पर किसी बात को लेकर लोगों पर बहुत ज्यादा दबाव ना बनाएं। बेहतर यह होगा कि लोगों की अच्छी बात को सुनने की और समझने की कोशिश कर लें। लोगों के प्रति अपने व्यवहार में किसी भी तरह की कमी लाना ठीक नहीं। मीन राशि वालों के हालात इसलिए मददगार हैं क्योंकि लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं। रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने का समय है, जिसके चलते जिंदगी की खुशियां भी बनी रह सकती हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कोई प्यार का रिश्ता आपकी खुशियों का कारण बना हुआ है, कोई आपको अच्छे से समझना भी चाह रहा है और आपसे जुड़ना भी चाह रहा है, और ये इस समय की अच्छाई है जो रिश्तों को उभार रही है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी दिशा में जब हालात सुखद बन रहे हों तो इंसान लापरवाह हो जाता है। इस समय आप अपनी कोशिशों को किसी भी वजह से कम ना करें, खासकर अपने कामकाज से जुड़े फैसलों में कोई ऐसी गलती ना करें कि आपके प्रयास कम होते चले जाएं।
ये काम काज से जुड़े फैसलों में अपनी तरफ से कोई कमी या कोई गलती मत छोड़िएगा। सर, हम भी कोई गलती नहीं छोड़ेंगे। एक राशि के बारे में कुछ खास जानना बाकी है, वो हम जान के ही रहेंगे आपसे। कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपने पैसे से जुड़ी हुई प्राथमिकताओं को समझें। अपनों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं और कामकाज में भी पैसा लगाना पड़ सकता है, पर अच्छी बात यह है कि इन कोशिशों का अच्छा परिणाम भी आपको जरूर मिल सकता है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और जिंदगी को समझिए। जिंदगी समझ आती है भूतकाल की घटनाओं के आधार पर, भूतकाल के तजुर्बे के आधार पर, और उसे जीना पड़ता है भविष्य की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए। भविष्य में आपको क्या करना है इसके लिए आपको आज में जीना पड़ता है। तो आज आप कैसे जी सकते हैं वो हमने आपको बताया, इस उम्मीद के साथ कि आप उन टिप्स पर अमल जरूर करेंगे। कोई मुश्किल अगर है, ईमेल कीजिए आपके tare@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। अभी के लिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। ज्योतिष गुरु होंगे साथ और आपके साथ होंगे आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।